बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का नामांकन आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर बिहटा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 659 पदों के लिए आज से नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा है। नामांकन के पहले दिन दानापुर SDM और ASP प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए नामांकन स्थल का जायजा लिया। साथ ही साथ स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ नामांकन को लेकर चर्चा भी की। बिहटा प्रखंड कार्यालय में नामांकन के लिए 11 काउंटर बनाया गया है। इसमें मुखिया पद के उम्मीदवारों के लिए एक काउंटर, पंचायत समिति पद के लिए एक काउंटर, सरपंच पद के लिए एक, वार्ड सदस्य के लिए 5 और पंच पद के लिए 3 काउंटर बनाया गया है। नामांकन की प्रक्रिया 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। 4 अक्टूबर को स्क्रूटनी का कार्य किया जाएगा। 6 अक्टूबर को नामांकन वापसी और प्रतीक चिन्ह वितरण की तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही बता दें कि नामांकन की घोषित तिथि के दौरान 2 दिन यानी 26 सितंबर और 28 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कुल 295 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 2 आदर्श मतदान केंद्र उच्च विद्यालय रामबाग और मध्य विद्यालय मुसेपुर को बनाया गया है। प्रखंड कार्यालय में उम्मीदवार और प्रस्तावक को बैठने के लिए 3 वेटिंग हॉल का निर्माण कराया गया है। सभी हॉल में हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसमें उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने में कोई असुविधा नहीं होगी। नामांकन के दौरान सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही परिसर के अंदर दाखिल होंगे। सभी काउंटर पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है। वहीं निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रत्याशी मतगणना के 2 सप्ताह के अंदर अपना खर्च का सूची प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी 3 साल के लिए रद्द कर दी जाएगी।